अब दिक्कत ये आती है ना श्वेता कि इंडिया ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। 45 दिन अगर आप देखें हिंदुस्तान में क्रिकेट दोबारा से जिंदा हुई है। आप सड़क पर जाएं, कहीं पर भी जाएं, लोग सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहे हैं वर्ल्ड का, वर्ल्ड का, वर्ल्ड का। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जाते जाते आप जितना मर्जी स्वादिष्ट पकवान खा लें वो हल्की सी खटास अगर रह जाती है ना श्वेता, तो याद तो वो खटास ही रहती है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, और अंत भला नहीं तो जितना भला हुआ था सब पर पानी फिर जाता है। वो दुख के चार स्टेजेस हम विक्रांत बात करते हैं ना, मैंने मैच खत्म होने से लेकर अभी तक मैं वो चारों स्टेज यहाँ पर देख लिए हैं, ग्रीफ के चार स्टेजेस। आप यहाँ खुद पर अभी बताइए वो लोग अपना हाल भी हैं जो वैसे। कहाँ कहाँ से आए हैं आप लोग? जयपुर से, आगरा से, आगरा से आए, हाँ, जयपुर से, दिल्ली से, दिल्ली, दिल्ली, आगरा से, आगरा से। मैं टिकट मिला था? नहीं मिला। कैसे देखा मैच? मोबाइल में बाहर बैठ के। यहाँ अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत सैड फील महसूस कर रहे हैं। इनको टिकट नहीं मिला, ये सैड महसूस कर रहे हैं। राजस्थान से आया, टिकट मिला था। हाँ, मिला था। महंगा या सस्ता मिला था? सस्ता ही मिला था मैडम। अच्छा, तो आपको उतना दुख? नहीं 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 सर, नहीं, दुख दुख की बात नहीं, दुख तो होता है मैडम। इंडिया मैडम, इंडिया नहीं, इधर एक महंगा टिकट खरीद के भी कोई खड़े थे यहाँ पर। हाँ, किसी ने कहा था कि बड़ी बड़ा महंगा टिकट खरीदा है, लेकिन अब क्या फायदा यहाँ पर। आप लोग अंदर जाकर देखे? हाँ जी, बिल्कुल अंदर जाकर देखा था। तो मुस्कुरा रहे हैं आप? मेरे को तो पता ही था ये होगा, दुख की मुस्कान। पिछले 10 साल से ऐसे हो रहा है कि नॉकआउट में हार जाते हैं, तो मुझे तो एक्सपेक्टेड था कि आज भी हार जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मिडल ओवर्स में हम लोग थोड़ा और बेटर खेल सकते थे। मिडल ओवर्स में हमारी अप्रोच इतनी अच्छी नहीं रही थी। आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग थी उसमें मिडल ओवर्स में वो लोग काफी अच्छा खेले थे। बाउंड्रीज भी आ रही थी, स्ट्राइक भी रोटेट हो रही थी अच्छी से, और 5 की ऊपर की रन रेट से वो खेल रहे थे। उनका अप्रोच बेहतर था। आप रोने की आवाज आपसे आ रही थी? नहीं, दिल तो बहुत है। हर हर बार नॉकआउट में आके हार जाते हैं। नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, इंडिया अगली साल T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, हम जीतेंगे T20 वर्ल्ड कप, जीतेंगे हम लोग जरूर नेक्स्ट ईयर। आईसीसी जीत नहीं पा रहे हैं कोई, आईसीसी कैप्टनशिप में कोई संदेह नहीं है, और विराट कोहली कैप्टन, विराट कोहली के कैप्टन से कोई संदेह नहीं है मैडम। इट्स धोनी को वापस लाए मैडम, कोहली को वापस लाना चाहिए, कोहली को वापस लाना चाहिए मैम। वो कोहली को, कोहली कौन सा आईसीसी ट्रॉफी जितवा मैम? पर एक डिटर्मिनेशन और एक एग्रेसिवनेस दिखता है मैम, वो मेरे को रोहित शर्मा में थोड़ा सा लैक। कैप्टनसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने बैक टू बैक मैचेस जीते हैं, पर फाइनल में जिस हिसाब से अप्रोच करनी चाहिए थी बैटिंग में मिडल ओवर्स में, वो अप्रोच नहीं हुई बस। हाँ, मैं ये कह रहा था कि रोहित शर्मा को है ना अटैकिंग नहीं खेलना था, आज गेम चेंज करना था उसको, क्योंकि गिल आउट हो गए, 10 ओवर में 80 रन हो गए अपने, यही कह रहे। हाँ, गुजरात के हम लोग, भरूच के। तो मेरा ये कहना था कि उसको फिर भी अटैकिंग नहीं खेलना था, है कि सूर्य कुमार यादव को नहीं खिलाने का था, क्या है कि वो अभी अभी तक के कोई भी मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं किया था, तो उनको खिलाने का गलत तरीका था टीम इंडिया का। अच्छा, वर्ल्ड कप में नहीं किया? हाँ, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप में। आई थिंक जो शुभम गिल है वो जो जो परफॉर्मेंस पहले देता है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा शुभम गिल, और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सूर्य कुमार यादव, उसको की बजाय किसी और को चांस देना चाहिए था, ईशान किशन को। भाई साहब, तो ऐसा लगा हिंदुस्तान का तिरंगा जो है वो कभी महसूस हुई मैडम आज, क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है, हार्दिक पांड्या की कमी सही में महसूस ज्यादा थे। आज ट्रेविस हेड और मिथिल मार्श दोनों बॉलिंग कर रहे थे, तो हमारे पास ऑलराउंडर्स नहीं थे और बॉलिंग ऑप्शन काफी कम थे। सूर्य कुमार यादव की जगह पे आज शायद आर अश्विन को खिला सकते थे, आर अश्विन को खिला सकते थे। वही वही बात विक्रांत, अब धीरे 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 सारे लोग जो अब यहाँ से घर भी जाना चाह रहे हैं अपने, किसी को कसक इस बात की है कि इतनी दूर से आए और मैच का ये नतीजा, और कोई अपने महंगे टिकट का भी रोना रो रहा है। मैं जानता हूँ ये जश्न का सिलसिला शुरू हुआ था, जश्न का सिलसिला श्वेता शुरू हुआ था 8 अक्टूबर, मुझे याद है चेपॉक, और हम लोग तब से यहाँ पर हर मैच में गाड़ी गिरवी रख के करते हैं। गाड़ी गिरवी रख के विक्रांत, गाड़ी गिरवी रख के टिकट खरीदा था। अरे इनकी इनका दिखाओ, चेहरा दिखाओ इनका, कहाँ है वो, कहाँ है वो महान इंसान? गिरवी रख के टिकट खरीदा, टिकट खरीदा उसने, टिकट मिला था ब्लैक ब्लैक में।
बुक माई शो और वो इधर 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 क्या है, बहुत टिकट का क्रेज है इधर, मिलती नहीं है, पर ऑनलाइन ऑनलाइन पता नहीं लोग गाड़ी कैसे छुड़ाएगा। अब गाड़ी छुड़ाएगा वो कैसे भी करके, मेहनत करके मजदूरी करेगा, गाड़ी मजदूरी करके छुड़वाएगा वो, गाड़ी मजदूरी कर। हमने भी 20,000 में लिया है, काला बाजार इतनी 2,000 का टिकट बताइए। लीजिए लीजिए अनाउंसमेंट यहाँ से, श्वेता अनाउंसमेंट की है, सुरेश राणा कह रहे हैं कि घबराइए मत, गाड़ी हम लोग दे देंगे। ठीक है, अगर यही गाड़ी गिरवी रख के अगर वो वर्ल्ड कप जीत देखकर आते तो शायद वो आज और ये चलता रहता है। बट हाँ, सीरियस कंसर्न कि 10 साल हो गए, 10 साल में भारत ने 5 तो मुझे याद है, आप याद कराइए अगर मेरी याददाश्त कमजोर है, 5 ICC टूर्नामेंटों का फाइनल खेला है और हर फाइनल जो है इंडिया एक तरफा हारा है। मतलब एक तो होता ना यार 2 रन से हार गए 3 रन से हार गए, वो नहीं हो रहा है। 5 ICC टूर्नामेंट्स का फाइनल 2013 के बाद इंडिया एक तरफा हारा है भाई, देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम। आप जैसे मर्जी खेलें, जबरदस्त खेलें, लेकिन वो लास्ट जब टेप क्रॉस करनी होती है वही बात आती है। आज दिल तो बहुत टूटा है, सबका टूटा है, आई एम श्योर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल टूटा है। टीम ने बड़े जबरदस्त मोमेंट्स दिए हमें, खुशी के मौके दिए, लेकिन आज दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हार की ये तस्वीरें आने वाले कई साल तक चुभती रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया की इस टीम में 6-7 खिलाड़ी ऐसे थे, मुझे एग्जैक्टली याद ही नहीं है जी, पर वो 2015 वर्ल्ड चैंपियन थे, तो वो उस तजुर्बे को आज लेकर आए। विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन इस टीम के 2 सदस्य, वाहिद 2 लोग जो इससे पहले वर्ल्ड कप जीत की टीम के हिस्से में थे, उनके नाम के आगे वर्ल्ड चैंपियन लिखा हुआ था, वो थे विराट और हार्दिक पांड्या। बाकी जो खिलाड़ी हैं उनको इंतजार करना होगा, और इनमें से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए शायद ये आखिरी मौका था। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, सबसे ज्यादा रन है उनके 765 रन। अब फिर वही बात आ गई ना दोस्तों, 765 रन एक बल्लेबाज ने 96 की औसत से बनाए हो और वो वर्ल्ड चैंपियन ना हो, यही हमने 2003 में भी देखा था जब सचिन तेंदुलकर ने 673 रन बनाए थे और तब भी वो वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा नहीं थे। लेने जाएंगे, बहुत बड़ी बात है विराट कोहली के लिए, लेकिन उनके दिल में एक मंशा होगी ये ट्रॉफी, वो जब जब देखेंगे एक उनको दुख होगा कि नहीं यार हम लोग आते आते रहे। देखिए वो रोहित शर्मा की मैं पिक्चर भी देख रहा था, उनकी आंखों में भी आंसू थे, उन्होंने बहुत प्राउड किया, पूरे हिंदुस्तान को अच्छा फॉर्म में रखा, बट सबसे इम्पोर्टेंट लगा कि एक बैड गेम और आज हम टूर्नामेंट से पाजी बाहर हो गए। वो इम्पोर्टेंट है कि पूरे देश उनके लिए दुआ कर रहा था, पूरी मेहनत, मोहम्मद शामी मुझे लगता है बेस्ट बॉलर भी रहेंगे इस टूर्नामेंट के, बट आज थोड़ा वैसा रहा, फॉर्म थोड़ा गड़बड़ाया, लेकिन हमें टीम को भरोसा है आने वाले टाइम। बट आपने जो बात बोली, काफ़ी प्लेयर का लास्ट वर्ल्ड कप था ये, आई एम श्योर कि रोहित शर्मा के अगले वर्ल्ड कप में होंगे, वो 2011 में नहीं थे और यहाँ आते आते फाइनल में जो एक कसक रह गई, उसके बाद देखेंगे क्या सिराज क्या शामी दोबारा 3-4 साल के बाद उतने रिदम में होंगे, और इतना अच्छा मौका, होम ग्राउंड, होम आप अच्छा खेल रहे थे, जस्ट एक गेम पारी और टूर्नामेंट से बाहर। देखो एक गेम ही मैटर करती है, अगर वेस्ट इंडीज की वो एक गेम खराब ना होती तो दुनिया ही क्रिकेट बदलती नहीं ना 1983 में, इंडिया जीतता नहीं तो शायद क्रिकेट आज इतनी ग्लैमर नहीं होता, क्रिकेट में इतना पैसा नहीं होता। वो एक दिन एक गेम दोस्तों, एक गेंद बस, बात तो वही है ना, आप तैयारी वो इस एक गेंद की करते हैं, उस एक ओवर की करते हैं, उस एक दिन की करते हैं। टीम ने यहां तक का सफर अच्छा था, लेकिन जिस दिन जो चाहिए था, वो एक कहावत है ना, ऑलवेज द ब्राइड्स ग्रूम नेवर द ब्राइड, नेवर द ब्राइड तो भारत के लिए सही नहीं है, लेकिन इतने साल से क्या हो रहा है ना कि आप दुल्हन की सहेली बन के रह जाते हैं, बारात आती भी है बट दुल्हन नहीं बन पाते। राहुल भी है मेरे साथ, राहुल श्वेता के साथ तो बहुत से लोग हैं जिनका दिल टूटा है, बड़ी कोचिंग भी कर रहे हैं, भाई आप भी थोड़ी बहुत कोचिंग करवा लीजिए फैंस से। साइलेंट कराऊंगा, उसका कॉन्फिडेंस देख रहे हो, वो करवा है, उसे जो बोला उसे किया, और इतने प्लेयर जाके फोटो खींचा रहे, वेडिंग शूट चल रहा है इनका, कौन सा फोटो शूट, एक कौन सा, लेकिन आज जो
टीम तो अपना अच्छा खेली थी। केएल राहुल के बैटिंग पे सर आज बहुत निराशा हुई। क्यों ऐसा क्या किया सर? 60 के स्ट्राइक रेट से खेलना था सर। आपको लगता है इंटेंट में सीख? इंटेंट बिल्कुल मिसिंग थी सर, बिल्कुल। और उसी का प्रेशर था कि कोहली जो है ना उसने गलत शॉट खेल के आउट हुआ, उसी का प्रेशर था। मैं समझ सकता हूँ, आप लोग पीछे आइए ना, वहाँ तो आप आएंगे ही नहीं, इधर आइए ना सब, इधर कैमरे के सामने आइए, तभी हाँ आप क्या बोल। मैं तो सूर्य कुमार यादव की मेरी वो इनिंग बिल्कुल नहीं अच्छी लगी आज के इनिंग्स। अच्छी किसकी लगी? फिनिशर वाला रोल था। बाय द वे मैं आप लोगों को याद दिला दूं, बता दूं कि विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। अच्छा किया उसने, क्या ले कर शमी ने भी अच्छा किया, विराट कोहली ने भी अच्छा किया, वो मानते हम कि इंडिया को इस हद तक पहुंचाया है। इन लोग की इंडिया मैच कहां हारा? इंडिया मैच बैटिंग के टाइम पे हारा। आप बोल रहे हैं 240 रन कम थे, बहुत ऑस्ट्रेलिया के सामने तो कम ही है ना सर। 3 ओवर में चेज कर लिए, इतना कम था सोचो। अच्छा ये विकेट ऐसी बनी, आपको लगता है कहीं ना कहीं आपने अपने लिए खुद गड्ढा खोद दिया? इस बात से लग रहा है मेरे ख्याल इंटेंट मिसिंग है, तो एक ट्रिक जो मिस किया इंडिया ने। आईसीसी देखिए उनके जो पिचेस का अश्विन को ना लेना मेरे ख्याल ट्रिक मुझे लगता है जो फेल। हाँ अच्छी बात है टीम परसिस्ट, नहीं नहीं परसिस्ट किया, क्योंकि अश्विन का एक साइकोलॉजिकल दबाव है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ट्रेविस हीट, डेविड वार्नर। और वहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी एक सज्जन हमारे साथ यहाँ पे थोड़ी देर पहले थे, उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि वो क्योंकि 12:30 बजे मैदान के अंदर पहुंच चुके थे, उन्होंने कहा कि आज ऑस्ट्रेलिया में वो भूख नजर आ रही थी। ऐसा नहीं कि इंडिया में वो भूख नहीं नजर आ रही थी, बट उन्होंने कहा उन्होंने नोटिस किया कि 12:30 बजे पैट कमिंस दम से बॉल डाल रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके पेसर्स सब मतलब वही चीज जो है वो जो घूम फिर के कॉन्फिडेंस में बोला है, कॉन्फिडेंस से कुछ बोला है तो वो करके ही दिखाएगा ना पूरी टीम। उनको पता था हमारा गेम प्लान क्या है, हमें क्या कर रही है वो, फाइनल के हिसाब से इन लोग का कुछ प्रैक्टिस ही नहीं। वही जो टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में अलग टीम थी, और ट्रेविस हेड अपने को मुझे लग रहा था चेन्नई में जो मैच हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ भी अगर कोहली का कैच पकड़ लिया होता मिचेल मार्श ने तो वहाँ भी इंडिया हार जाना। ये अक्सर हम लोगों के साथ भी होता है, एक खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है आप लिखो वाओ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, और बेचारा आउट हो जाएगा तो हमें आपने पुनौती लगा दी उनको, कही वो पुनौती नहीं है, वो भारतीय टीम की ताकत है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भारतीय टीम की ताकत है। लोग कहते हैं जी 12th मैन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, नहीं मैं मानता हूं कि असली कप्तान जो इंडियन क्रिकेट टीम के हैं वो इंडियन फैंस है भाई। अभी श्वेता के साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे, आपने देखा होगा सुरेश, आप भी इस दौर से गुजरे होंगे, आपने कोई मैच देखा होगा इंडिया का और आप छोटे बच्चे, आपने अपने पिताजी को कहा होगा कि मैं खेलूंगा, शायद उस टाइम पे टीवी के इंटरव्यूज नहीं थे लेकिन किसी ने पूछा होगा, आपने कहा होगा हाँ जी वर्ल्ड कप खेलना है जी मैंने और मैं जिताऊंगा जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो बच्चों की वो बातें। जी बिल्कुल, वो दोनों जैसे इंटरव्यू कर रहे थे श्वेता जी उनका, और जो जज्बा दिखा है, दो अनमोल रतन हमारे देश के, उनका नाम नोट कर लिया जाए बिल्कुल। और दुखी होंगे छोटे बच्चे, इतनी दूर से लाइन में लगे थे, एक निराश होते हैं, बट यही टीम भाजी पूरे 1.5 महीना हमें बड़ा एंजॉय कराया इन्होंने, रात भर जो नींदे आती थी, जो सुबह स्पेल डाले गए, 100 रन बनाए गए, 50 कितने बजे शो करना है, कितने बजे शो करना है, पूरी आज तक की टीम, आपकी स्पोर्ट्स तक की टीम, हेडलाइंस टुडे, पूरे सर पाजी आ रहे हैं, एक अलग का माहौल बना हुआ था, लेकिन कभी ना कभी तो एंड होगा, जिस तरीके से आपने बोला ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली, टास्क के साथ है ना, खट्टा दिल, हाँ नहीं ये एक दुख तो है, देखिए खाने के बाद तो स्वीट डिश चाहिए होती है, हाँ स्वीट डिश, देखिए विराट कोहली ने 96 एवरेज से रन बनाए एंड इन वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, भूल जाएंगे ना, नहीं भूल वर्ल्ड कप याद, बट ओ देखिए ये जो टीम है ना, ये जो 15 की टीम है ये नहीं भूल सकती।